तो आज हम जा रहे हैं पेवा 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 क्यों जा रहे हैं पेवा जा रहे हैं हम एजेंट से मिलने, बात करने कि कैसे आगे पैदल चलानी है। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली हम बाइक को पीपली खड़ी कर देंगे और पीपली से दोस्त के साथ उसकी कार में जाएंगे। एक्चुअली उसे भी पेवा कुछ काम है तो हम उसी के साथ जाएंगे। और ये बाइक हमने पार्किंग में लगा दी है। और ये है कपिल जिसके साथ हम पेवा जा रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड गेट और अब हम आ चुके हैं ज्योतिसर रोड पे जो पेवा की तरफ जा रहा है। और ये है ज्योतिसर की नहर। और अब हम पहुंच चुके हैं पेवा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और ये सेंटर बस स्टैंड के ठीक पीछे है जिसका नाम है गणेशा ओवरसीज जहां हम आए हुए हैं। 5 hours later चल दिए हैं कुरुक्षेत्र के लिए और हमें बस में जाना होगा क्योंकि कपिल को कुछ काम है, वो थोड़ा लेट आएगा। और बस स्टैंड सेंटर के ठीक सामने है, ये पेवा बस स्टैंड है दोस्तों। और यहाँ से हम कुरुक्षेत्र के लिए बस लेंगे, इस बस से ही जाएंगे क्योंकि यहाँ और कोई बस लगी नहीं है और प्राइवेट बस में सीट इजली मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं पेवा टू कुरुक्षेत्रा। ये हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्रा के पुराने बस स्टैंड पर और ये सिर्फ नाम से ही पुराना है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ की फैसिलिटीज और यहाँ की सफाई। अब हम चल दिए हैं नए बस स्टैंड की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नए बस स्टैंड पर और यहां से हम पीपली के लिए बस लेंगे। दोस्तों हम पीपली पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं घर। और अब हम पेट्रोल पंप से तेल डलवा लेते हैं। दोस्तों ये है हमारे गांव की सड़क, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहां का। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। हम पहुंच चुके हैं घर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टाटा।